सोहेटे कीज, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आपका बजट इन 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में और इस बजट में आप ढूंढ रहे कोई सा बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन, तो मैंने आज आपके लिए इस वीडियो में कुछ बेस्ट वीवो के स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट किया है, जहां पे आपको टॉप नॉच लेवल के डिस्प्ले की क्वालिटी, अच्छा खासा प्रोसेसर, अच्छे खासे कैमरे की क्वालिटी और उसके साथ साथ तगड़ी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और जो वीवो के स्मार्टफोन्स होते हैं वो अपने कैमरे की क्वालिटी और डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई सा ऐसा ही बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए था, तो मैंने आज आपके लिए सेलेक्ट किए हैं टॉप 3 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन्स अंडर 10,000, जो कि आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आ जाता है वीवो की तरफ से, वीवो Y01। तो दोस्तों, अगर आपका बजट है 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में और इस बजट में आपको कोई सा एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप वीवो की तरफ से Y01 को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 6.51 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, प्लास्टिक बैग के साथ आता है। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio P35 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। हालांकि प्रोसेसर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है और फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 10 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सेटअप मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर है। इस स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको बोके मोड, फेस ब्यूटी, टाइम लैप्स जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। बात करें अगर प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 2GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 8,499 रुपए में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो Y15C। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 9 से 10,000 के बीच में है और इस बजट में एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो Y15C को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 6.51 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको MediaTek का Helio P35 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पे आता है, फ्रंट टच ओएस पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 10 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड को। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, फ्रंट में भी आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पैनोरामिक व्यू, लाइव फोटो, टाइम लैप्स और प्रो मोड जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये स्मार्टफोन 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है, डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाएगा। फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 3GB रैम प्लस 32GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 9,499 रुपए में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो T1X। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 10,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, आपको इस स्मार्टफोन के साथ ही जाना चाहिए, जहां पे टॉप नॉच लेवल के परफॉर्मेंस, टॉप नॉच लेवल के कैमरे की क्वालिटी, बैटरी लाइफ, सब कुछ आपको एकदम तगड़ा देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल मिल जाती है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon 680 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि आपको आराम से नॉर्मल डे टू डे यूजर्स में कोई भी दिक्कत नहीं देगा। आप यहाँ पे मीडियम से हेवी लेवल तक की गेमिंग भी कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और फ्रंट टच ओएस 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है। 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि सपोर्ट करती है 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को। बात करें कैमरे की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का बोके शूटर और तीसरा कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1080p तक वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, नाइट मोड, मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट और HDR मोड जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करें तो एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको 4-layer लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट है, 4D गेम लीनियर वाइब्रेशन मोटर भी है। फाइनली बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 4GB रैम प्लस 64GB रोम वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा 11,999 रुपए में, जो कि अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बहुत ही तगड़ी प्राइसिंग है। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 3 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन्स, जिनकी प्राइसिंग आपको 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में देखने को मिल जाती है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। पर्सनली मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर आपको एक बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो आपको मिनिमम 12,000 का बजट लेके चलना चाहिए, जहां पे आपको वीवो T1X देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम तगड़ी स्पेसिफिकेशन दे देता है। बाकी के पहले जो 2 स्मार्टफोन है वो भी तगड़े हैं, नॉर्मल डे टू डे यूजर्स और लाइट यूजर्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहां पे अगर आप हेवी यूजर्स करते हैं, तो मे भी हो सकता है वहां पे आपको हैंग प्रॉब्लम देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।